हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी मजे में होंगे। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं पत्र लेखन। पिछली क्लास में भी हमने पत्र लेखन ही पढ़ा था, पर हमने सिर्फ एक प्रकार ही पढ़ा था, उसका वो है अनौपचारिक पत्र। और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं औपचारिक पत्र। तो अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा हो या आपको अनौपचारिक पत्र नहीं समझा हो, तो आज के वीडियो में भी मैं उस वीडियो की लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि औपचारिक पत्र होता क्या है। तो वो पत्र जो हम किसी सरकारी विभाग में या कार्यालय दफ्तरों में या प्रार्थना पत्र लिखने के लिए या किसी व्यवसाय संबंधी कार्य के लिए यदि हम पत्र लिखते हैं, तो ऐसे जो पत्र होते हैं वे औपचारिक पत्र कहलाते हैं। औपचारिक पत्र को इंग्लिश में फॉर्मल लेटर्स भी कहा जाता है। इसके लिए भी बहुत सारे नियम और मतलब विशेष बातें हैं जो ध्यान रखना जरूरी है, तो उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। पर सबसे पहले हम जान लेते हैं कि औपचारिक पत्र होता क्या है। तो आज का हमारा टॉपिक है औपचारिक पत्र। जिसे इंग्लिश में कहते हैं फॉर्मल लेटर। तो औपचारिक पत्र में औपचारिक पत्र कहते किसे हैं? तो औपचारिक पत्र जब प्रार्थना पत्र लिखते हैं या फिर सरकारी विभाग में कोई पत्र लिखते हैं सरकारी विभाग में या कार्यालय दफ्तर में दफ्तरों में या व्यावसायिक कार्यों के लिए कोई पत्र लिखा जाता है, तो ऐसे पत्रों को औपचारिक पत्र कहते हैं। अर्थात वे पत्र जो किसी प्रार्थना पत्र को लिखने के लिए लिखा गया हो या सरकारी विभाग या कार्यालय दफ्तरों में या व्यावसायिक कार्यों के लिए कोई पत्र जब लिखा जाता है, तो ऐसे पत्रों को औपचारिक पत्र लिखते हैं। औपचारिक पत्र लिखते समय आपको कुछ आवश्यक बातों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। तो चलिए जानते हैं वो आवश्यक बातें कौन सी है। तो देखिए, प्रशस्ति, जब आप प्रशस्ति लिखते हैं, जब आप संबोधन करते हैं, तो आप अगर वो पुरुष है तो आप कहेंगे महोदय, और अगर वह स्त्री है तो आप कहेंगे महोदया। उसी प्रकार आप या तो श्रीमान लिखेंगे या श्रीयुत या मान्यवर आदि और भी शब्द हैं तो आप वह प्रयोग में ला सकते हैं। फिर अभिवादन, तो औपचारिक पत्रों में अभिवादन नहीं लिखा जाता है। अनौपचारिक पत्र में यह अभिवादन लिखना आवश्यक होता है, लेकिन औपचारिक पत्रों में अभिवादन नहीं लिखा जाता है। फिर समाप्ति, जब आप पत्र की समाप्ति करते हैं, तो यदि आपने अपने शिक्षक को पत्र लिखा है तो आप अंत में लिखेंगे आपका आज्ञाकारी शिष्य, और अगर आप लड़की है तो आप लिखेंगे आपकी आज्ञाकारी शिष्या। फिर आप उसी प्रकार लिखेंगे यदि किसी अधिकारी को पत्र लिखा है तो आप अंत में लिखेंगे भवदीय या निवेदक या निवेदिका या प्रार्थी या आपका विश्वासु। इस प्रकार आप और भी शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। तो औपचारिक पत्र लिखने के लिए कुछ विशेष बातों का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। अगर आपको वो बातें नहीं पता रहेगी, वो आवश्यक बातें आपको नहीं पता रहेगी, तो आप सही तरीके से औपचारिक पत्र नहीं लिख पाएंगे। तो आइए पहले जान लेते हैं कि किन बातों का ज्ञान होना जरूरी है। पहली बात, पत्र संक्षेप में लिखा जाना चाहिए। जो पत्र आप लिख रहे हैं वो आप बिल्कुल संक्षेप में लिखेंगे, अर्थात जिस बात को आप लिखना चाहते हैं उसकी पूरी डिटेल्स, उसको पूरा संक्षेप में आप लिखेंगे। उसके बाद भाषा सरल और प्रभावशाली होना चाहिए। आप जिस
भाषा में पत्र लिख रहे हैं वो भाषा बिल्कुल भी सरल होना चाहिए, मतलब कोई भी पढ़े तो उसे आसानी से समझ में आ जाए और पढ़ने के बाद उसका बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़े, अर्थात वो प्रभावशाली होना चाहिए। फिर सबसे ऊपर प्रेषक का पता और दिनांक लिखना चाहिए, मतलब प्रेषक कौन होता है, पत्र भेजने वाला, जो पत्र भेजने वाला है उसका पता और दिनांक सबसे ऊपर पत्र के ऊपर आता है। फिर औपचारिक पत्रों में अधिकारियों का नाम नहीं आता, अधिकारियों का नाम नहीं आता बल्कि पदनाम आता है। जो औपचारिक पत्र होते हैं उनमें जो अधिकारी है अधिकारियों का नाम कभी नहीं आता, उनका जो पोस्ट होता है उनका जो पदनाम होता है वो हमेशा लिखा जाता है। इन पत्रों में भाषा जो है वो आदरपूर्ण एवं विनम्र होनी चाहिए, मतलब आप बहुत ही रिस्पेक्टफुली पत्र लिखेंगे। पत्र लिखने के बाद उसे एक बार पढ़ लेना चाहिए ताकि संदेश स्पष्ट हो व आवश्यक जानकारी छूट ना जाए। आपने जो भी पत्र लिखा है पत्र लिखने के बाद उसे तुरंत भेजिए मत, पहले उसे एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए ताकि जो भी आप लिखना चाहते थे वो आपने लिखा है या नहीं वो आपको पता चल जाए और कोई भी आवश्यक जानकारी ना छूटे। तो पत्र लिखते समय आपको इन आवश्यक बातों को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। तो चलिए जानते हैं कि औपचारिक पत्र का प्रारूप होता कैसे है। तो सबसे पहले आपको प्रेषक का नाम लिखना होता है, प्रेषक अर्थात जो पत्र भेजने वाला होता है। तो जब आप औपचारिक पत्र लिखते हैं तो सबसे पहले आपको प्रेषक का नाम लिखना होता है, उसके बाद आपको लिखना होता है दिनांक, जो आपकी डेट होती है। तो आपको सबसे पहले प्रेषक का नाम और फिर दिनांक लिखना होता है। फिर पत्र प्राप्त करने वाले अधिकारी की उपाधि, मतलब उसकी जो पोस्ट होती है, अधिकारी की जो पोस्ट होती है वो पोस्ट का आपको नाम लिखना होता है, न कि आपको अधिकारी का नाम लिखना होता है, पोस्ट का आपको उपाधि का वहां पे नाम लिखना होता है। उसके बाद पत्र प्राप्त करने वाले अधिकारी का पता, उपाधि का नाम लिखने के बाद उसकी पोस्ट का नाम लिखने के बाद आपको उसका पता लिखना होता है, एड्रेस लिखना होता है। उसके बाद आपको विषय लिखना होता है, वो जिस विषय पे आपने औपचारिक पत्र लिखा है वो विषय आपको अच्छी तरीके से वहां लिखना होता है। उसके बाद आपको संबोधन लिखना होता है, जैसे आप उन्हें महोदय कह रहे हैं तो इस प्रकार आपको वहां पे सबसे पहले संबोधन लिखना होता है। फिर उसके बाद आपकी हमेशा यही लाइन रहेगी, याद रखिएगा, विनम्र निवेदन इस प्रकार है कि जब भी आप कोई औपचारिक पत्र लिख रहे हैं आपको बहुत ही पोलाइटली अपनी बात रखनी चाहिए और आपको यही वाक्य प्रयोग में लाना चाहिए, विनम्र निवेदन इस प्रकार है कि। फिर उसके बाद विषय वस्तु, मतलब जिस विषय पर आपने पत्र लिखा है वो आपको लिखना चाहिए। तो पहला जो पैराग्राफ है, पहला जो अनुच्छेद है, उसमें आप अपनी समस्या लिखेंगे। जो पहला अनुच्छेद रहेगा, पहला पैराग्राफ रहेगा, उसमें आप अपनी समस्या लिखेंगे। और दूसरा जो अनुच्छेद रहेगा, दूसरे पैराग्राफ में आप अधिकारी से अनुरोध करेंगे कि जल्दी से जल्दी आपकी समस्या का निवारण किया जाए। अंत में आप लिखेंगे धन्यवाद, भावदीय, यानी आपका भावदीय, और फिर उसके बाद आप लिख देंगे प्रेषक का पता, मतलब जो आप पत्र भेजने वाला है उसका पता। तो ये है औपचारिक पत्र का प्रारूप। ये सारे पॉइंट्स जब आप पत्र लिखते हैं तो वो पत्र में कवर होने चाहिए। अगर ये पॉइंट्स आप एक भी पॉइंट स्किप करेंगे तो आपके मार्क्स कट हो सकते हैं। तो याद रखिए औपचारिक पत्र लिखते समय ये सारे पॉइंट्स पत्र में कवर हो। अब हम जानेंगे कि औपचारिक पत्र लिखा कैसे जाता है। तो यहाँ पर एक प्रश्न दिया हुआ है, देखिए, नगर निगम के अधिकारियों को सड़क किनारे की नालियों की सफाई है दुख पत्र, अर्थात जो नगर निगम के अधिकारी है उनको सड़क किनारियों की जो नालियां है वो साफ कराने हेतु पत्र लिखना है। तो आपको पता है कि औपचारिक पत्र लिखने के नियम क्या होते हैं, उन नियमों के अनुसार हम पत्र लिखना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हमें लिखना होता है प्रेषक का पता और दिनांक। तो देखिए यहाँ पे प्रेषक का पता हमने लिख लिया है, परीक्षा भवन बेंगलुरु 44 9 सितंबर 2020 ये आज का दिनांक है। तो प्रेषक का पता और दिनांक हमने लिख लिया है। उसके बाद हम लिखेंगे पदाधिकारी का पद, जो अधिकारी को हम पत्र लिख रहे हैं उसका हम पद लिखेंगे। हम कभी भी यहाँ पर उसका नाम नहीं लिखते, हमेशा उसका पद लिखना होता है। तो देखिए हमने यहाँ लिखा है अध्यक्ष, अध्यक्ष लिखने के बाद हमें पदाधिकारी का, अधिकारी का पता लिखना होता है। तो देखिए हमने यहाँ पे पता लिखा है बेंगलुरु नगर निगम बेंगलुरु कर्नाटका 19। फिर पता लिखने के बाद हम विषय लिखेंगे, तो विषय आपको प्रश्न से ही मिल जाएगा। देखिए विषय हमने लिख लिया है सड़क किनारे की नालियों की सफाई हेतु पत्र। उसके बाद आप संबोधन लिखेंगे, तो संबोधन हमने लिखा है महोदय। फिर विनम्र वाक्य, ये हमेशा लिखना है आपको, आप किसी को भी अगर आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं पत्र लिख रहे हैं
तो आपको ये वाक्य जरूर लिखना है। विनम्र निवेदन इस प्रकार है कि उसके बाद आपको आपकी जो समस्या है वो समस्या लिखना है। तो मैंने इस प्रकार लिखा है, देखिए, विनम्र निवेदन इस प्रकार है कि मैं रामनगर का निवासी हूँ। हमारे नगर में मुख्य सड़क के दोनों ओर की नालियाँ मिट्टी और कचरे से भरी हुई है। बरसात का मौसम आने वाला है। हर साल बरसात के दौरान यहाँ नालियों में पानी जमा हो जाता है। यह गंदा पानी लोगों के घरों में घुसकर बीमारी और अन्य परेशानी उत्पन्न करता है। उसके बाद आप समस्या निवारण के लिए निवेदन करेंगे। फिर आप लिखोगे, अर्थात आपसे नम्र निवेदन है कि रामनगर की नालियों की सफाई बारिश से पहले करवाने की कृपा करें, ताकि यहाँ के निवासियों को परेशानी का सामना न करना पड़े। आभार, फिर आप लिखेंगे धन्यवाद, फिर आप लिखेंगे भव्य अवस्त। इस प्रकार आप अपना पूरा पत्र पूर्ण करेंगे। और आपको पत्र लिखते समय सभी मुद्दों का, सभी पॉइंट्स का ध्यान रखना है और कोई भी पॉइंट स्किप नहीं होना चाहिए। अगर आप इस तरीके से पत्र लिखेंगे तो आपको पूरे में से पूरे अंक मिलेंगे। तो आशा है कि आपको अब औपचारिक पत्र लिखने में कभी भी समस्या नहीं जाएगी। धन्यवाद।